तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज डिग्री मेजरमेंट, व्हाट इज ग्रेड मेजरमेंट एंड व्हाट इज रेडियन मेजरमेंट। और एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। वन रेडियन अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? तो 57.3 डिग्री। और वन रेडियन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? तो अगर कोई सर्कुलर आर्क जिसका लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलते हैं वन रेडियन। और वन रेडियन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 57.3 डिग्री। उसके बाद तीनों यूनिट्स में एक रिलेशन था, वो रिलेशन क्या था? तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड्स। डिग्री मेजरमेंट में हम लोग को ये पता है कि वन राइट एंगल इज 90 डिग्री, वन डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड वन मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सिमिलरली इन ग्रेड सिस्टम वन राइट एंगल इज 100 ग्रेड्स, वन ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स एंड वन मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। ऑब्वियसली मिनट एंड डिग्रीज इन टू यूनिट्स आर डिफरेंट। अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है? तो एक पॉलीगन जिसका हर साइड इक्वल हो। तो अगर किसी पॉलीगन का ईच साइड इक्वल हो जाए तो इस तरह के पॉलीगन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जैसे अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या है? 3 है। सिमिलरली ए स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स 4। उसी तरह से रेगुलर हेक्सागन हो सकता है। रेगुलर हेक्सागन एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है? 6। ठीक है, मान लो कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स n है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का एक पॉलीगन बना दे रहे हैं। यहां पे हम डॉट 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 बना दिए। डॉट 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 बनाने का पर्पस ये है कि दिस इज नॉट ए हेक्सागन, ये एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स n है। ठीक है, तो मान लो कि नंबर ऑफ साइड्स भी n, और रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल। मान लो कि लेंथ ऑफ ईच साइड इज a। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड क्या मान ली? a मान ली। ईच साइड सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा होगा, ईच साइड सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा होगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस पॉइंट पे टोटल कितना एंगल होगा? तो 360 डिग्री। किसी पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो इस रेगुलर पॉलीगन में एन साइड्स है। ऑब्वियसली अगर साइड्स इक्वल हो जाए तो हर साइड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। और टोटल एंगल सेंटर पे कितना है? 360 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर इज 360 डिग्री अपॉन एन। ठीक है, तो एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। और हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 360 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा? 2 पाई रेडियन। तो रेडियन यूनिट में लिख सकते हो 2 पाई रेडियन अपॉन एन। तो रेडियन में सी लिखते भी हैं, नहीं भी लिखते हैं। ठीक है, तो एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई रेडियन अपॉन एन। ठीक है, इसके बाद इस एंगल को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, तो दिस एंगल इज नोन एज इंटीरियर एंगल। तो दिस एंगल इज ऑल्सो इंटीरियर एंगल, दिस एंगल इज ऑल्सो इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल, लेकिन रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। तो रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल। मान लो कि ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2 अल्फा। बस हम मान लिए कि ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2 अल्फा।
तो 2α का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं देखा जाए, एक ही ध्यान दो, यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए 2α, अगर यहाँ 2α है तो यहाँ भी 2α होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 2α, सिमिलरली यहाँ पे भी 2α होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है इसलिए यहाँ पे दिस लाइन विल बाइसेक्ट दिस एंगल, मतलब इधर एंगल अल्फा होना चाहिए, इधर भी एंगल क्या होना चाहिए अल्फा, तो अल्फा अल्फा 2α होगा। अगर रेगुलर पॉलीगन होगा तभी बाइसेक्ट करेगा, अगर रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा तो बाइसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ रेगुलर पॉलीगन है इसलिए बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर इधर एंगल अल्फा है तो ऑब्वियसली इधर भी एंगल अल्फा होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तुम ज्योमेट्री से भी बोल सकते हो कि ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। अब इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा प्लस 2π अपॉन एन इज 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। हम जब इधर रेडियन यूनिट लिए हैं तो इधर भी रेडियन यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस 2π अपॉन एन इक्वल टू पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा प्लस अल्फा हुआ 2α, 2π अपॉन एन को उधर लेके चले जाओ तो पाई माइनस 2π अपॉन एन, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो एन होगा तो मिलेगा एन पाई माइनस 2π, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो मिलेगा 2α इक्वल टू पाई इंटू एन माइनस 2 अपॉन एन। तो हम बोल सकते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू एन माइनस 2 इंटू पाई अपॉन एन, एन माइनस 2 इंटू पाई अपॉन एन। और अगर डिग्री यूनिट में बात करें तो मिलेगा एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन एन, ठीक है। एक और चीज, अगर तुमसे पूछ दे कि व्हाट इज एरिया ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगन, तो ऐसा करो कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो ऐसा ऐसा कितना ट्रायंगल होगा, तो ऐसा ऐसा एन ट्रायंगल्स होगा। तो अगर एक ट्रायंगल का एरिया निकल गया तो पूरे पॉलीगन का एरिया निकल जाएगा। पूरे पॉलीगन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया इंटू एन। अब क्वेश्चन ये है कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस साइड को हम लोग ए मान चुके हैं, ठीक है। यहां पे एंगल है 2π अपॉन एन। अब ऐसा करो कि इस जगह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो परपेंडिकुलर इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये तुम स्टैंडर्ड 9 से 10 से जानते होगे। तो अगर ये पूरा एंगल 2π अपॉन एन है तो आधा एंगल कितना होगा पाई अपॉन एन, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर इस साइड को ही बाइसेक्ट करेगा। तो अगर इस साइड का लेंथ ए है तो हाफ लेंथ होगा a/2, ठीक है। अब हम लोग अगर किसी तरह से इस लेंथ को कैलकुलेट कर लें तो इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। मान लो कि दिस परपेंडिकुलर इज r, स्मॉल r, इस डिस्टेंस का नाम क्या दे दिए स्मॉल r, ठीक है। अब इस ट्रायंगल पे फोकस करो, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे एंगल दिख रहा है, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो r बेस होना चाहिए और a/2 परपेंडिकुलर होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं कि tan π/n इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है a/2 और बेस है r, r चाहिए तो r इधर लेके चले जाओ, tan इधर लेके चले जाओ, तो a/2 अपॉन tan π/n, ठीक है।
और तुम्हें पता है कि 1/tan थीटा इज कॉट थीटा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a/2 इंटू कॉट पाई बाई एन, ठीक है। तो स्मॉल आर का वैल्यू मिला a/2 इंटू कॉट पाई बाई एन। अब इस वाले ट्रायंगल में बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो एरिया निकल जाएगा, तो पूरे पॉलीगन का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होगा, तो एन टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है ए और हाइट है आर, ठीक है। तो मिला एन इंटू हाफ इंटू ए इंटू आर की जगह पे ए बाई टू कॉट पाई बाई एन, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ए इंटू ए ए स्क्वेयर, एन है नीचे में 2 × 2 = 4, तो एन ए स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू कॉट पाई बाई एन, ठीक है। तो एरिया ऑफ पॉलीगन मिला एन ए स्क्वेयर अपॉन 4 कॉट पाई अपॉन एन, ठीक है। अच्छा यहां पे एन एन कैंसिल नहीं करना है, यहां पे पाई बाई एन इस कॉट का एंगल है, ठीक है। तो इस एन को इस एन के साथ कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर तुमसे पूछ दे कि व्हाट इज दिस लेंथ, तो तुम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो। मान लो कि दिस लेंथ इज कैपिटल आर, तो इस वाले ट्रायंगल में दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस, और हम लोग को पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन थीटा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाए तो यूज कर सकते हो साइन पाई बाई एन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए बाई टू, हाइपोटेनस कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्या होगा, तो ए बाई टू और साइन पाई बाई एन नीचे चला जाएगा, तो 1/sin θ होता है कॉसेक थीटा, तो मिलेगा ए बाई टू इंटू कॉसेक पाई बाई एन। ये बस हम ऐसे बता दिए, ठीक है, ये बस हम ऐसे बता दिए, अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो तुम बता सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, इसको रटना नहीं है, ठीक है। लेकिन तीन चीज़ याद रखने हैं, पहला चीज़ कि एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 2π/n इन रेडियन यूनिट या 360° / n इन डिग्रीज यूनिट, ठीक है। और ये याद भी रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटर पे टोटल एंगल होता है 360°, तो ईच साइड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो 360° / n, ठीक है। इसके बाद ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला है n-2 × π/n इन रेडियन यूनिट, और डिग्री यूनिट में क्या होगा, तो n-2 × 180° / n, पाई 180° होता है, तो सिंपल पाई की जगह पे 180° पुट कर दिए। ऐसे इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ट्रायंगल वाला मेथड याद रखो कि α + α + 2π/n इज पाई, तो यहां से 2α निकल जाएगा, π - 2π/n खत्म। याद भी रख सकते हो या फिर ये समझ में आता है तो ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, तो एन ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कॉट पाई बाई एन, ठीक है। ऑब्वियसली पॉलीगन के बारे में बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ साइड्स 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 से कम हो जाए तो कोई पॉलीगन बनेगा ही नहीं। 2 साइड का पॉलीगन होता है, नहीं होता है, 3 साइड होगा तो ट्रायंगल बनेगा, 4 साइड होगा तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो पॉलीगन होने के लिए कम से कम 3 साइड होना चाहिए, तो 3 साइड तो ट्रायंगल, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, नंबर ऑफ साइड 6 हो जाए तो हेक्सागन, नंबर ऑफ साइड 7 हो जाए तो हेप्टागन, नंबर ऑफ साइड्स 8 हो जाए तो ऑक्टागन, नंबर ऑफ साइड्स 9 हो जाए तो नोनागन, नंबर ऑफ साइड्स 10 हो जाए तो डेकागन, नंबर ऑफ साइड्स 11 हो जाए तो नाम होता है हेन डेकागन, मुर्गी डेकागन, हेन का मतलब क्या होता है, मुर्गी डेकागन, तो नंबर ऑफ साइड्स 11 हो जाए तो मुर्गी डेकागन,
10 डेकागन, नंबर ऑफ साइड्स 12 हो जाए तो 2 डेकागन, नंबर ऑफ साइड्स 13 हो जाए तो ट्राई डेकागन, नंबर ऑफ साइड्स 14 हो जाए तो टेट्रा डेकागन, नंबर ऑफ साइड्स 15 हो जाए तो पेंटा डेकागन, नंबर ऑफ साइड्स 16 हो जाए तो हेक्सा डेकागन एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम लोग इन तीनों फॉर्मूला पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं एक स्क्वायर का। तो एक स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं जिसका साइड ए है। ऐसे में पता है कि स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, स्क्वायर का ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है, एंड एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर इज ऑल्सो 90 डिग्री। लेकिन अब हम लोग इन तीनों फॉर्मूला का यूज करके इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल एक स्क्वायर के लिए ले रहे हैं। तो तुम्हें पता है कि अगर एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है तो इसका एरिया तो ए स्क्वायर होगा, ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होगा, और सेंटर पे ईच साइड विल मेक एन एंगल 90 डिग्री। ये पहले से ही पता है, लेकिन अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके बस क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर के लिए नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, तो 4। तो स्क्वायर के लिए एन पता हो गया और साइड ए मान रहे हैं। तो सबसे पहले एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर, तो एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री अपॉन एन या 2π अपॉन एन। चलो 360 डिग्री बाय एन कर दो, तो 360 डिग्री बाय एन अगर कर देते हैं तो एन का वैल्यू कितना है, 4। तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर इज 90 डिग्री। उसके बाद ईच इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला है एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाय एन। ठीक है, तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला है एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन एन। यहाँ एन का वैल्यू 4 है, तो एन माइनस 2 मतलब कि 4 माइनस 2 हो जाएगा विच इज 2 इंटू 180 डिग्री, और नीचे में एन मतलब कि 4, तो 2 जो 4 और 2 9 80 तो 90 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, वो भी वेरीफाई हो गया। अब थर्ड एरिया, तो एरिया के लिए फॉर्मूला है एन ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कॉट पाई बाय एन। ठीक है, तो एरिया है एन ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉट पाई बाई एन। तो एन है 4, ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, नीचे 4 ही होगा, और कॉट पाई इज पाई, एन का वैल्यू 4। ठीक है, यहाँ 4 कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर और कॉट पाई बाई 4, पाई होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बाई 4 कितना होगा, 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 स्टैंडर्ड 10 से। ठीक है, तो कॉट 45 डिग्री 1 हो गया, तो ए स्क्वायर इंटू 1 इज ए स्क्वायर, तो एरिया क्या मिला, ए स्क्वायर। तो ऑब्वियसली स्क्वायर के लिए ये सब फॉर्मूला का यूज करने की जरूरत नहीं था, लेकिन अगर तुमसे पूछ दे कि हेक्सागन के लिए क्या होगा, दो डेकागन के लिए क्या होगा, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये सब फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं रेगुलर हेक्सागन का, और मान लो कि ईच साइड इज ए। ठीक है, पहले हम सारा डेरिवेशन ज्योमेट्रिकली करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका ईच साइड ए है, ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, 6 होगा। तो रेगुलर हेक्सागन के लिए नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, 6। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर कितना होगा, तो सेंटर पे टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, तो एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर विल बी 360 डिग्री अपॉन 60। तो 360 डिग्री अपॉन 60 कितना होगा, 60 डिग्री। तो एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर विल बी 60 डिग्री। ऐसे वो फॉर्मूला भी 360 बाय एन ही है, तो एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर इज 60 डिग्री। अब एक चीज ध्यान दो, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, पक्का ये दोनों साइड इक्वल होगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ये दोनों एंगल अल्फा अल्फा मानो। ठीक है, तो अल्फा प्लस 60 डिग्री इज 180 डिग्री, तो 2 अल्फा का वैल्यू होगा 120 डिग्री,
तो अल्फा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, मतलब कि दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस साइड का लेंथ अगर ए है तो इसका भी लेंथ ए होगा, इसका भी लेंथ ए होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? रूट 3/4 इंटू ए स्क्वेयर। हमें पता है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वेयर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? रूट 3/4 इंटू ए स्क्वेयर। तो पूरा पॉलीगन का एरिया कितना होगा? तो 6 टाइम्स। तो यहाँ पे पूछ दिया जाए कि इस पॉलीगन का एरिया कितना होगा, तो 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ 2 3 6, 2 2 4, तो 3√3/2 इंटू ए स्क्वेयर। अभी हम लोग कोई फॉर्मूला यूज नहीं किए, सिंपल ज्योमेट्री से बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज ईच इंटीरियर एंगल, तो यहाँ देखो अगर इस साइड में 60 डिग्री एंगल है तो इधर भी क्या होगा? 60 डिग्री एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल हो गया 120 डिग्री, और ईच एंगल एट सेंटर हो गया 60 डिग्री। इसमें हम लोग कोई फॉर्मूला यूज नहीं किए, बस ज्योमेट्री का यूज किए, ठीक है। अब चलो फॉर्मूला भी यूज किया जाए। तो ईच एंगल एट सेंटर के लिए फॉर्मूला है 360 डिग्री/n। n है यहाँ पे 6, तो 360 डिग्री/6 करोगे तो कितना मिलेगा? 60 डिग्री। अब सेकेंड, ईच इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला है n-2 × 180 डिग्री/n। n है 6, तो 6-2 कितना हो गया? 4। तो 4 × 180 डिग्री/6, तो 4 × 180 डिग्री/6 अगर करोगे तो मिलेगा 6 3 18, 3 4 12, 120 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। इसके बाद एरिया, एरिया के लिए फॉर्मूला है na²/4 × cot π/n। n है 6, ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, 4 × 4, cot पाई इज पाई, और n का वैल्यू है 6, तो π/6। पाई मतलब कि 180 डिग्री, 180 डिग्री/6 कितना होगा? 30 डिग्री। तो ये हो गया cot 30 डिग्री। तो तुम जानते हो कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √3, ठीक है। तो इसका वैल्यू है √3, तो cot 30 डिग्री के बदले लिख दिए √3, और इधर 6 4, 2 से कैंसिल होगा, तो ऊपर 3 नीचे 2, और ए स्क्वायर रह गया, तो 3√3a²/2। और यहाँ भी क्या था? 3√3a²/2, ठीक है। तो ठीक है, ये सब फॉर्मूला है, लेकिन अगर ज्योमेट्री यूज किया जा सकता है तो ज्योमेट्री यूज करो। और रेगुलर हेक्सागन का प्रॉब्लम फिजिक्स में बहुत मिलने वाला है, और मैथमेटिक्स में भी मिलता ही रहेगा। तो रेगुलर हेक्सागन के लिए ये सब फॉर्मूला अगर नहीं भी याद रहता है तो भी चलेगा, ज्योमेट्री का यूज करने आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं डोडेकागन का। डोडेकागन मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स आर 12, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं रेगुलर डोडेकागन का। रेगुलर डोडेकागन में नंबर ऑफ साइड्स होगा 12। इस बार हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ईच एंगल एट सेंटर तुम ऐसे ही बता सकते हो, ये होगा 360/n, n है 12, तो 360/12 कितना मिलेगा? 30 डिग्री। इसके बाद ईच इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला होगा 180 डिग्री - 30 डिग्री, मतलब कि 150 डिग्री। हम डायरेक्ट लिख दिए 180 डिग्री - 30 डिग्री, फॉर्मूला ये नहीं किए। अब तुम बोलोगे कैसे भाई, ठीक है, तुम फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या है? n-2 × 180 डिग्री/n। चलो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो n-2 × 180 डिग्री/n। n का वैल्यू कितना है? तो 12, तो 12-2 × 180 डिग्री/12, तो 12-2 हो गया 10, और 180 डिग्री अपॉन 12 हो जाएगा 15।
तो मिलेगा 150 डिग्री। ठीक है, देखो फॉर्मूला से 150 डिग्री मिला और ये हम कैसे बता दिए, तो डेरिवेशन किए थे कि जो ट्रायंगल बनाए थे सेंटर पे जो एंगल था वो एंगल था 2π/n और इधर इधर जो एंगल था वो था अल्फा अल्फा, तो अल्फा प्लस सेंटर वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस अल्फा 2α हो गया, तो 2α का वैल्यू क्या होगा, तो 180 डिग्री माया सेंटर वाला एंगल। ठीक है, तो अगर सेंटर पे एंगल पता है तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट होगा 180 डिग्री माइनस एंगल एट सेंटर। मतलब तुम ऐसा कर सकते हो, मान लो कि एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर इज थीटा, तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला होगा डायरेक्ट 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल एट सेंटर इज 180 डिग्री माइनस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, तो एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर। ठीक है, तो अगर एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर पता है तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो 180 डिग्री माइनस एंगल मेड एट सेंटर। ठीक है, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट एरिया बताना है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, तो एन ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कॉट पाई बाय एन। ठीक है, तो एन है 12 ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4 × 4 कॉट पाई अपॉन 12, तो 12 अपॉन 4 हो जाएगा 3, तो 3a² पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन 12 इज 15 डिग्री, तो कॉट 15 डिग्री। कॉट 15 डिग्री के वैल्यू हम लोग आगे निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी यहीं तक लिख के छोड़ दे रहे हैं। तो एरिया ऑफ रेगुलर दो डेकागन होगा 3a² इंटू कॉट 15 डिग्री। ठीक है, तो होपफुली सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो एक बार और फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। मान लो कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें एन साइड्स है और ईच साइड का लेंथ है ए, तो एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर इज 2π/n विच इज 360° / n, और मान लो कि दिस एंगल इज थीटा, तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, विच इज सेम एज एन माइनस 2 इंटू पाई अपॉन एन, विच इज सेम एज एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन एन। तो अगर थीटा पता हो तो डायरेक्ट 180 डिग्री माइनस थीटा यूज कर लो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, तो एन ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कॉट पाई बाई एन। तो कीप दीज कॉन्सेप्ट इन माइंड। तो चलो दो चार प्रॉब्लम और सॉल्व कर दिया जाए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। The number of sides of two regular polygons are as 5:4 and the difference between their angles is 9 degrees. Find the number of sides of the polygons. Angle मतलब interior angle, यहाँ कौन सा angle? इंटीरियर एंगल। देखो नंबर ऑफ साइड्स मान लो 5x और 4x, क्योंकि रेशियो क्या दिया हुआ 5:4। इसे कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल थीटा 1 मानो, इसे कॉरस्पॉन्डिंग थीटा 2। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू कितना, 9 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। तो ए के लिए एन है 5x, तो 5x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 5x, क्योंकि एन के लिए एन का रोल 5x कर रहा है, और दूसरा वाला के लिए एन का रोल कौन कर रहा है 4x, तो 4x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4x, दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 9 डिग्री। ठीक है, देखो 180 डिग्री कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, और उधर लेके चले जाओ, तो उधर ले जाने के बाद में क्या मिलेगा, 9 upon 180 डिग्री गया। ठीक है, 5x और 4x का एलसीएम क्या होगा, 20x। इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4×5 = 20x, 4×2 = 8, फिर माइनस, इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा
ट्वेंटी एक्स माइनस टेन इक्वल टू नाइन अपॉन वन एटी. ट्वेंटी एक्स कैंसिल, प्लस टेन माइनस एट टू, टू अपॉन ट्वेंटी एक्स, नाइन और वन एटी भी कैंसिल आउट होगा, ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी, ट्वेंटी ट्वेंटी कैंसिल आउट, एक्स इक्वल टू क्या मिला टू. एक्स टू आ गया तो नंबर ऑफ साइड्स कितना कितना होगा, तो फाइव एक्स मतलब टेन, फोर एक्स मतलब एट, ये हो गया आंसर. ठीक है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री. एक्सप्रेस द एंगल्स इन रेडियंस. एपी स्टैंडर्ड टेंथ में था. क्वाड्रिलेटरल का चार एंगल का सम कितना होता है? मान लो चार नंबर्स एपी में, चार नंबर्स एपी में क्या क्या लिया जाता है, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी. अगर छह नंबर इन एपी हो तब क्या करेंगे, छह से एक कम पांच लो, ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, उसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फाइव डी, इस तरह से. ठीक है, एट नंबर से भी लेना हो तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एट से एक कम क्या मिलेगा, सेवन, ए माइनस सेवन डी, ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फाइव डी, ए प्लस सेवन. थ्री नंबर से भी क्या होता है, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी. फाइव नंबर इन भी क्या होता है, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी. यहाँ पे चार एंगल्स है, चारों किसी में है एपी. ठीक, तो ले द एंगल्स थ्री डिग्री में हम ले रहे हैं, ए माइनस थ्री डी डिग्री, ए माइनस डी डिग्री, ए प्लस डी डिग्री, ए प्लस थ्री डी डिग्री. चार एंगल है, चार एंगल का सम कितना होगा, सिक्स डिग्री. ठीक, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 360 डिग्री. डी वाला 60 टर्म कैंसिल आउट, माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी है, माइनस डी प्लस डी है, ए ए ए ए चार बार क्या मिला, फोर ए 360. ए के बारे क्या मिला, 360 अपॉन फोर, 360 अपॉन फोर क्या मिलेगा, 90. अब हम लोग को डी चाहिए, प्रॉब्लम एक और चीज दिया, क्या दिया, ग्रेटेस्ट एंगल कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री. ग्रेटेस्ट एंगल ये चारों में सबसे बड़ा कौन दिखता है, ए प्लस थ्री डी. तो बोल सकते हैं ए प्लस थ्री डी डिग्री इज 120 डिग्री, मतलब ए प्लस थ्री डी 120 में, ए पता है 90, तो 90 प्लस थ्री डी 120, तो थ्री डी कितना मिला, 120 माइनस 90 30, तो डी के बाद कितना मिला, 10. D 10, A 90 है, D 10. अब एंगल्स, पहला एंगल क्या है, A माइनस 3D डिग्री. फर्स्ट एंगल इज A माइनस 3D डिग्री, A 90, D 10, 90 माइनस 3 इंटू 10 कितना मिला, 60 डिग्री. और डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, हम लोग ऐसे रेडियन में देते हैं, हम लोग क्या करना पड़ेगा, कितना समझ प्राय करना पड़ेगा, पाई अपॉन 186, तो क्या मिला, पाई अपॉन 3 रेडियन. फिर दूसरा एंगल क्या है, ए माइनस डी डिग्री, ए माइनस डी मतलब 90 माइनस 10 80 डिग्री है, 80 इंटू फिर पाई बाई 180 करो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ये जो कैंसिल आउट 4 और 9, तो 4 पाई अपॉन 9 रेडियन. फिर नेक्स्ट क्या है, ए प्लस डी डिग्री, जो कि मिलेगा कितना, 100 डिग्री. ठीक है, 100 डिग्री मतलब कि 100 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, जो कि मिलेगा 5 पाई अपॉन 9. और फोर्थ जो एंगल है वो क्या होगा, ए प्लस 3 डिग्री, जो कि 120 डिग्री होगा. ऐसे भी दे सकते हो, 60 80 100 120, एपी में क्या होता है, डिफरेंस सेम रहता है. तो 120 इंटू पाई बाय 180 करोगे, हम डायरेक्ट देते हैं 2 पाई बाय 3 आएगा. ठीक, इतना ऐसा.